हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैंने एक पज़ल दिया था कम्युनिटी टैब में, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, पज़ल पहले आपके स्क्रीन पे है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया था तो उसको वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करके कोशिश करो और देखो कितने मिनट्स में क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कोशिश किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले पजल है क्या। मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देर आर थ्री टेबल्स ए बी एंड सी विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स एमंग सिक्स फोर एंड सेवन आर प्लेस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की साइड में ए प्लेस किए गए हैं। सच दैट ए इज प्लेस्ड वेस्ट टू बी, ए जो है देखो ए जो है बी के वेस्ट में है। तो देखो बी ये हो गया मान लो, तो ए ये हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ आगे कहा हुआ है कि बी विच इज प्लेस्ड वेस्ट टू सी, सी के वेस्ट में कौन है, बी है, सी के वेस्ट में बी है, ऐसे कहा हुआ था। ठीक है, वेयर द बॉटम मोस्ट सेल्फ इज वन एंड द सेल्फ अबव इज इट टू, मतलब जो नीचे वाला है वन है, उसके बाद टू है एंड सो वन, मतलब वैसे ऊपर सब चले गए हैं, मतलब सेवन सेल्फ थे। ठीक है, सेवन तक था मैक्सिमम नंबर, तो यहां से हम लोग शो कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ओके, चलो ये हो गया, दैट इज लास्टली। ओके, ये हो गया। अब आगे कह रहा था ईच सेल्फ कंटेन्स बॉटल ऑफ डिफरेंट कलर्स, द हाइट ऑफ ईच ऑफ द सेल्फ इज सेम, मतलब सारा जो आपका सेल्फ है वो कोई ना कोई बॉटल कंटेन करता है और हाइट ऑफ ईच सेल्फ, सभी सेल्फ की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो रियल शुरू हो रहा है, थ्री बॉटल्स आर केप्ट बिटवीन ग्रीन एंड वाइट। यहाँ हम लोग जो एडिशनल इन्फो है या नीचे लिख लेते हैं, ग्रीन है, ठीक है, जी आर से कर लिया, तीन बॉटल है इसके ग्रीन और वाइट के बीच में, देखो ग्रीन व्हाइट, तीन वगैरह व्हाइट को डब्ल्यू से कर लिया। ओके, विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ग्रे बॉटल, मतलब विच किसके लिए यूज किया गया, व्हाइट के लिए, तो मतलब ये जस्ट किसके नीचे रहता है, ग्रे के, तो ग्रे को मैं पूरा लिख देता हूँ, जस्ट है ये, जस्ट मीन सर्कल कर लिया मैंने, इसका मतलब ये है, गॉट इट। नेक्स्ट दिया हुआ पिंक बॉटल इज केप्ट इन द वेस्ट ऑफ ग्रीन, ग्रीन के वेस्ट में कौन है आपका, वेस्ट में है, ये ऊपर भी हो सकता है भाई, इधर नहीं होगा क्योंकि इधर कोई और है नहीं, तो मैंने ऊपर लिखा नहीं यहाँ पर, तो ये वेस्ट में, वेस्ट मतलब ये साइड हो गया, यहाँ पर कौन है, पिंक है, समझ गए, पिंक। ब्लैक इज केप्ट थर्ड टू द अबव ऑफ पिंक, मतलब तीन ऊपर है, देखो मतलब तीन ऊपर है, एक हो गया, दो हो गया और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया, ब्लैक बॉटल इज केप्ट वेस्ट टू द ब्लू बॉटल, देखो ब्लू के वेस्ट में है, ब्लू मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ब्लू के वेस्ट में ब्लैक हो गया, अब यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि वो ब्लैक होगा, मतलब वेस्ट कैसे होगा, स्ट्रेट उसी के सामने होगा, मतलब जितना डिफरेंस यहाँ है उतना डिफरेंस यहाँ भी होगा। ठीक है, अब आगे भी कंडीशन दिया हुआ है, विच इज नॉट केप्ट बिलो वाइट, जो वाइट के नीचे नहीं है, मान लो वाइट यहाँ पर है, तीन बॉटल मान लो यहाँ पर, एक दो तीन और ये मान लो व्हाइट यहाँ है, तो व्हाइट के नीचे पर क्या अंतर नहीं हो रहा, ब्लू नहीं हो रहा, तो ब्लू यहाँ पर होगा, मतलब ये एक हो गया, यहाँ पर दूसरा रो, यहाँ पर तीसरा रो, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को मिल गया, तो इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो ग्रीन मैं यहाँ लेता हूँ फर्स्ट पे मान लो ग्रीन है, आपका हो गया, नहीं व्हाइट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो व्हाइट, अभी कंडीशन एक दिखा देता हूँ, मान लो व्हाइट ले रहे हो आप, तो इसके हिसाब से ग्रीन है यहाँ लेते हो, व्हाइट कहाँ जाएगा, तीन ऊपर हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट के जस्ट ऊपर क्या है, ग्रे है। ठीक है, ग्रे है, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो व्हाइट यहाँ लेते हो तो एक दो तीन, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ग्रीन। अब ग्रीन जब यहाँ लोगे, ठीक है, ये अगला कंडीशन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ग्रीन जब यहाँ लोगे जस्ट इसके वेस्ट में कौन सा होगा, पिंक यहाँ होगा, पिंक के तीन ऊपर कैसे जा सकते हो, ब्लैक नहीं जा सकते ना, तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया, समझ गए ना, ये कंडीशन आपकी सही हुई, वो समझाने के लिए मैंने बताया आपको, समझ, तो ग्रीन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पिंक होगा।
ठीक है, यहाँ पर पिंक नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में ब्लू आएगा, समझ गए ना? दो ऊपर है, मतलब एक हो गया, दो गैप कर दो, तो यहाँ पर क्या है? ब्लैक है। ब्लैक के जस्ट मतलब ब्लू के वेस्ट में आपका क्या है? ब्लैक है। अब ब्लू कहाँ नहीं होगा? व्हाइट के नीचे नहीं होगा, तो ये चीज मेरी यहाँ तक फिक्स हो गई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कंडीशन क्या था? वन बॉटल इज केप्ट बिटवीन ब्लू एंड पर्पल। ब्लू और पर्पल के बीच में देखो, पर्पल यहाँ भी आ सकता है, पर्पल यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, दो कंडीशन मुझे मिल गई है। अब आगे पढ़ लेते हैं, कुछ दिया हो शायद। ठीक है, विच इज नॉट, विच मतलब कौन कह रहा है? पर्पल के लिए कह रहा है। केप्ट साउथ ईस्ट ऑफ ब्लैक, ब्लैक के साउथ ईस्ट में नहीं होगा। साउथ ईस्ट ब्लैक का कौन सा होगा? यहाँ पर होगा। तो मीन्स यहाँ पर पर्पल नहीं आ सकता है। पर्पल कहाँ आएगा? हियर। ठीक है, पर्पल यहाँ पर आएगा। होपफुली आप इसको समझ गए। ठीक है, रेड बॉटल इज केप्ट नॉर्थ वेस्ट टू ग्रे बॉटल। ग्रे बॉटल की नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? दिस वे नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेड बॉटल। ओके, और भी कुछ दिया हुआ था? नहीं, बस यही कंडीशन थी। यही कंडीशन को हम लोगों को फुलफिल करना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कलर्स हो गए। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।